very good evening everyone my name is shubham singhania and i am your mentor for ugc net paper 1 paper 2 commerce and management so i welcome you all to this particular video in our earlier video we have covered the detailed analysis for paper 2 commerce that was held in the month of september uh, for the june 2020 attempt and in this particular session we are going to cover the questions from question number 51 till question number 100 सो so, वन से लेके जो 50 तक के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमने अपनी पुरानी वीडियो में कवर कर लिया है इफ़ यू हैव नॉट वॉच वॉच द सेम डू इट बिकॉज उसके अंदर भी मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है सिर्फ आंसर की नहीं बताने वाला हूं मैं मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं सो दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट द आंसर्स एंड वट आर द रीजन बिहाइंड दोज आंसर्स सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वे, जल्दी से शुरू करते हैं लेट्स फोकस ऑन द फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे what type of defense mechanism is used by a person when he gets angry at his child or spouse because he had a bad day so kai bar hota hai ki aapka din kharab hai and aap ghar pe aake apni sari frustration nikal dete hain apne family ya friends ke upar to aapko batana hai ki ye kis type ka defense mechanism hai which has been exercised by an individual is it a denial is it a depression is it a projection मतलब projective uh, project कर रहा है आपके सामने कुछ चीजों को डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जहां पे अगर आपका मूड खराब है अगर आप किसी से डांट खा के आए हैं तो आप जो लेस थ्रेटनिंग लोग हैं मतलब जो आपके थोड़े से क्लोज हैं जो आपको लेस थ्रेटन करते हैं उन पे आके आपका नेचुरली गुस्सा निकलता है कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर अपने ऑफिस से खराब मूड से आए हैं बॉस से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है कलीग से कुछ आर्ग्यूमेंट हो गई है तो आप आके घर वालों पे जिनसे आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं उन पे नेचुरली गुस्सा निकल जाता है दिस इज व्हाट इज अ स्पेसिफिक टर्म नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और वेन आर एंग्री लास्ट इज रिग्रेशन रिग्रेशन सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से जब उस सेम तरीके की सिचुएशन आपके पास करंट आती है आपके पास में कुछ खराब सिचुएशन रहे हैं उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन अभी आती है तो इस टाइम पे आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड यू अप इन टर्म्स ऑफ आई गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड और गेटिंग एंग्रीड कई बार आपका रोना भी निकल जाता है सो ऑल दीज आर सम और द अदर फॉर्म ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जो एक इंसान यूज करता है आई डोंट थिंक सो इस पर्टलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा क्यों क्योंकि आप एक ऑफिस से आए हैं बैड डे एट वर्क पे लिखा हुआ है यहाँ पे एंड अब आके फैमिली एज वेल एज स्पाउस पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं विच इज लेस threatening टू यू और जिसके साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल है सो दिस वुड बी द आंसर आई होप इट इज क्लियर टू यू लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द डिक्लाइनिंग स्लोप ऑफ

इज इट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बहुत ही आसान क्वेश्चन है कोई भी डाउट नहीं है दट यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड बी एंड डी दैट मीस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन द कमोडिटी एंड ऑर्डिनल मेजर है बिकॉज इट्स ए इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस वेरी वेरी इजी क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन अ मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने जो वीडियो जो हमने किया था विद रिस्पेक्ट टू द चैलेंज आंसर की वहां पर भी मैंने आपको बताया था डेट इम्पेरिकली इसका आंसर जो होना चाहिए डेट इज वन बट अगर आप डेरिवेशन करेंगे तो अल्टीमेटली तीनों ही फार्मूले बन जाएंगे यू विल भी एबल टू डिराइव ऑल द थ्री फॉर्मूला एंड देयर फॉर एज पर एन टी ए आंसर की द आंसर गिवन इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी मार्क्स किया है तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे सो वेरी इजी क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला है कि अगर आपको एक वैल्यू value, दो वैल्यूज गिवन है तो आप तीसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस्ट ऑडिट फॉर मटीरियल्स कवर्स डैश नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द टॉपिक ऑफ ऑडिटिंग ऑडिटिंग के टॉपिक से लिया गया है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट कंडक्ट करवा रहे हैं मटीरियल्स के लिए स्पेसिफिकली तो इनमें से कौन कौन सी चीजें उसके अंदर कवर होंगी गुड्स इनवर्ड प्रोसीजर किस तरीके से गुड्स आए इनवर्ड In, uh, कैसे आए आउट कैसे होते हैं है? उसका प्रोसीजर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरियंस नहींवरहेड अगेन मटीरियल से रिलेट नहीं करता ओवरहेड सिर्फ लेबर पे मटीरियल uh, पे नहीं होता लेबर पे भी होता है सो देर फॉर अगेन दिस इज नॉट पार्ट अकाउंटे फॉर स्क्रैप वेस्टेज एंड मटीरियल ट्रांसफर देखिए क्लियर हिंट दिया हुआ है मटीरियल से डेफिनेटली यह पार्ट होगा लास्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अंडर और ओवर ऑब्जर्वेशन अगेन ये पार्ट नहीं होगा तो हमें पता चल गया कि जो ए ऑप्शन है एज वेल एज जो डी ऑप्शन है ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मटीरियल से रिलेटेड है देर फोर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वन सो अगर आप ओवरऑल देखेंगे अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए हैं चार पांच क्वेश्चन कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सिर्फ आपको अपना एनालिटिकल माइंड या फिर जो भी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है एंड आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज अ फॉल स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवेंटी टू अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन चैलेंज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है अपनी चैलेंज वाली वीडियो में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए यहां पर एन टी ए ने जो आंसर दिया है डेट इज बी गिवे एज टू बी सेकेंड दैट इज असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज स्टेटमेंट बताना था तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि जब आप किसी दूसरे इंसान को असाइन कर देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑब्लिगेशन तो उस केस में यू गेट डिस्चार्ज ऑफ योर ओन ड्यूटीज एंड देर फॉर ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होना चाहिए ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए जबकि जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रेक्ट इज डिस्ट्रॉइड फॉर नो फॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर लेटेस्ट से आप हॉर्स परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे या फिर किसी और चीज के लिए एंड किसी वजह से वो पर्टुलर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया विदाउट द फॉल्ट ऑफ अ प्रोमिसर तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है ड नॉट बिकम वर्ड लिखा हुआ है बाई इंपॉसिबिलिटी जबकि ये हो जाता है जब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉय हो जाएगा सो फोर्थ स्टेटमेंट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए था सो दिस इज द करेक्ट आंसर फोर्थ होना चाहिए दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन चैलेंज बट वी नीड टू वेट फॉर द फाइनल आंसर की फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने इसके बारे में पहले भी बात करी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीन डिग्रीज में होता है फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री एंड मोनोपोली मार्केट जो होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है सो अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स और कंडीशन दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्स मस्ट है ऑब्वियसली जब तक आपके पास मोनोपोली पावर नहीं है आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट बस डिफर जब दो मार्केट के अंदर जो इलास्टिसिटी है वो डिफरेंट होती है तभी आप दोनों में प्राइसेस अलग अलग रखते हैं अगर इलास्टिसिटी सेम है तो सेम प्राइसिंग फॉलो होगी एंड देर इज नो स्कोप फॉर डिस्क्रिमिनेशन तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है मार्केट मस्ट बी सेपरेबल और एबल टू बी सेगमेंटेड अगेन लेटेस से कि आप कंज्यूमर्स की इनकम के बेसिस पे अगर मार्केट को सेगमेंट कर पाते हैं तो जो ज्यादा पे कर पा रहा है आप उससे ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे एंड जो कम पे कर पा रहा है जिसकी एबिलिटी टू पे कम है उससे आप कम प्राइस चार्ज कर लेंगे अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्मस इसका कोई रिलेशन नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से दिस इज रिलेटेड टू योर प्रॉफिट्स और लॉसेस जो जनरेट होते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्म्स, एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई तो द डी कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फोर्थ और डी दैट इज ए बी एन सी तो आप देख सकते हैं आपको खुद ही रियलाइज हो रहा हुआ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है अगर आपने एक बार भी यह कंसेप्ट पढ़ा हुआ यू विल बी एबल टू आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कंज्यूमर्स रेशनलिटी इन बिजनेस इकोनॉमिक इज कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजन अब यहां पे सिर्फ थोड़े थोड़े भारी वर्ड्स यूज कर दिए गए अच्छे सिनोनिम्स यूज कर दिए गए अच्छी वोकेबलरी यूज कर दी गई है बट पॉइंट यही है कि कंज्यूमर रैशनैलिटी कब रिप्रेजेंट होती है या फिर किन अजम्शन के ऊपर बेस्ड है तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है आपको नॉन सेटिएशन मतलब आप सैचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं उसी सिचुएशन में आप अपनी रैशनैलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दिस इज ऑब्वियसली करेक्ट दिस इज अ करेक्ट एज्शन क्लैरिटी ऑफ प्रेफरेंसेस, आपको प्रेफरेंसेस पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर नीड्स, योर रिक्वायरमेंट्स तभी आप एक रैशनल डिसीजन ले पाएंगे अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज

इकोनॉमिक सेफिश मोटिव ये यू वॉन्ट टू मैक्सिमाइज योर सेटिसफेक्शन एंड फाइनलीफ इन्फॉर्मेशन आपके पास एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट वॉट ऑल आर दैरामीटर फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आप एक रैशनल डिसीजन ले पाए सी so, ऑप्शन जो होगा वो आपका अजम्पन नहीं होगा ए बी डी एंड ई आर द करेक्ट अजम्पन एंड देर फॉर फोर एज गिवेन बाय आंसर की इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन मार्केटिंग डीएसए स्टैंड फॉर डैश इस क्वेश्चन को भी हमने अपने चैलेंज आंसर की में डिस्कस किया है वहां पे मैंने आपको बताया था कि डीएसए कैन हैव मल्टीपल एक्रोनिम्स एंड मल्टीपल आपके फुल फॉर्म्स हो सकते हैं जहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी हो सकता है बट सिंस वो ऑप्शन में नहीं गिवन है देर जो मोस्ट सुटेबल आपको डेफिनेशन मार्केटिंग के टर्म्स में लग रही है इज योर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एंड दिस इज एब्सोल्यूटली करेक्ट तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेड क्वार्टर ऑफ एशियान इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मैंने आपको पहले भी कहा था एट्टी टू सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कंसेप्चुअल होंगे टेन परसेंट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे विच आर जस्ट गोइंग टू बी टेस्टिंग योर मेमोरी की कि आपको चीजें याद हैं तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ आई बी पूछा गया है कि एशियन का हेडक्वार्टर कहां है अगर आपको पता होता है दैट द हेडक्वार्टर इज इन इंडोनेशिया तो आपने इसको सही किया होगा द करेक्ट आंसर इज वन इंडोनेशिया लेट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ट इज द रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स दैट इज टी डी एस टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से पूछा गया है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं फॉर इंश्योरेंस कमीशन ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल पर्सन के लिए अगर आप टैक्स डिडक्शन uh, कर रहे हैं इंश्योरेंस कमीशन देते टाइम तो क्या रेट ऑफ टीडीएस आप डिडक्ट करेंगे दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज अगेन सेकेंड और बी दैट इज फाइव तो फाइव परसेंट टीडीएस आपको काटना होता है अगर आप इंश्योरेंस कमीशन पे कर रहे हैं पर्सन को लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गॉट मर्ज विद सब्सिडी नाउ दिस इज अ क्वेश्चन दट इज दो फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट यहां पर थोड़ा सा करंट अफेयर्स का रोल है कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं या रेगुलरली इन्वॉल्व इन करंट अफेयर्स तो ही आपको इसका आंसर पता होगा तो आईसीएसआई मर्ज हो गया था अपनी इंस्टीट्यूट uh, में डेट इज योर एल आई सी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड फाइनली जो आई डी बी आई था वो मर्ज हो गया था आरबीआई के साथ सो दिस इज द करेक्ट आंसर सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर एंड यहां पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड और सी सो सी एंड डी आपके सही ऑप्शन है नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट सिर्फ तभी आता होगा अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हुए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सुगम इज ऑल्सो नोन एज डैश अब मैं आपको बता दूं कि ये दिसंबर 2019 से क्वेश्चन रिपीट हुआ है और हमने इसको डिटेल में अपने लाइव सेशन में कवर किया था दैट दीज आर द वेरियस नेम्स ऑफ आई जो इंडिविजुअल फाइल कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन पे एंड सुगम इज नोन एज आई टी आर फोर जहां पी अगर आपकी किसी इंडिविजुअल रेजिडेंट की अगर जो इनकम है वो अप टू फिफ्टी लाख रुपीज है उस केस में आप आई टी आर फाइल करते हैं एंड फॉर ऑल ऑफ दीज आई टी आर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जस्ट बी अवेयर अबाउट फ्यू बेसिक थिंग्स एग्जाम्पल आई टी आर वन को सहज के नाम से भी जाना जाता है सो द वेरी बेसिक फॉर्म इट इज विच कैन बी फिल्ड फिलजल सो आई टी आर फोर का अदर नाम जो है डॉट इज सुगम एंड थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द क्वेश्चन रिपीटेड तो अगर आपने दिसंबर ट्वेंटी के क्वेश्चन सोल्व किए थे तो ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट साइन किया होगा आपने लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैनुफैक्चरिंग एंटरप्राइज मंथली कंज्यूम्स वन थ्री फाइव जीरो यूनिट्स ऑफ रॉ मटीरियल एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज ट्वेंटी पर यूनिट तो आपको मंथली कंजम्शन दे दिया एंड पर यूनिट कॉस्ट दे दी ऑफ द आर्टिकल डेट इज ट्वेंटी पर यूनिट डिटमाइन द इकोमिकर क्वांटिटी ईओ क्यू निकालना है गिवेन द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज रुपीज ट्वेंटी फोर हंड्रेड एंड द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज थर्टी परसेंट ऑफ द प्राइस पेड तो थर्टी परसेंट ऑफ द प्राइस पेड क्या है ट्वेंटी परसेंट का आप ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज पर यूनिट का थर्टी परसेंट निकाल लीजिए ये आपका कैरिंग कॉस्ट हो गया यू नो द फॉर्मूला दैट इज टू ए ओ दैट इज एनुअल कंजम्पशन अपॉन ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय योर कैरिंग कॉस्ट यहाँ से आपका ई ओ क्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगा अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी हमने एक दिन पहले एग्जाम के सेम टाइप का क्वेश्चन किया था मैंने प्रैक्टिस कराया था आपको अगर आपने प्रैक्टिस किया था आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा आंसर वुड कम आउट टू बी वन दैट इज थर्टी सिक्स हंड्रेड यूनिट्स तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगाइंग इस क्वेश्चन को भी हमने अपनी चैलेंज वाली वीडियो में चैलेंज आंसर की वाली वीडियो में डिस्कस किया है दैट द आंसर गिवन बाई एन टी ए फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज हंड्रेड परसेंट इनकरेक्ट ये बिल्कुल इनकरेक्ट है कोई डाउट नहीं है आपको बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो आपने पार्टनरशिप पढ़ते टाइम पढ़ा होगा यहां पर देखिए पर्टिकुलर पार्टनरशिप पूछा गया है पटलर पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है जब आप किसी स्पेसिफिक वेंचर या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी इंसान के साथ पार्टनरशिप करते हैं देन इट इज नोन एज पटल पार्टनरशिप यहां पे अगर आप इसके अकॉर्डिंग मैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो बी का ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी योर सेकेंड म्यूचुअल एजेंसी दैट इज एजेंट एंड प्रिंसिपल डी का आंसर होना चाहिए फोर्थ अगर आप इस ऑप्शन को मैच करेंगे तो आपको एक ही आंसर नजर आएगा दैट इज वन वन यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए बट अकॉर्डिंग टू आंसर की द आंसर रिलीज बाय सेकंड वी हैव ऑलरेडी चैलेंज दिस क्वेश्चन एंड वी आर एक्सेप्टिंग सॉरी दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वन एज द करेक्ट आंसर इन द फाइनल डिवाइस की सो स्ट यून फॉर दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन पार्टनरशिप पार्टनरशिप से रिलेटेड जो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है इन द एबसेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड ओनली अ वर्किंग पार्टनर इज इंटाइटल टू डेमोनेशन द स्टेटमेंट इज फॉल्स अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो किसी भी पार्टनर को डेमोनेशन नहीं मिलेगा अंटिनस इट हैज बीन एक्सप्लिस मेंशन इन द पार्टनरशिप डीट एनी फर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल देखिए ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्यों क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो अपनी क्लास ट्वेल्व का याद हो कि जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते थे उस टाइम पे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ध्यान रखते थे उसके बेसिस पे गुडविल की कैलकुलेशन होती थी कि नॉर्मल प्रॉफिट आपने अर्न कर लिया बेस्ड ऑन यूर एक्टिविटीज गुडविल अगर है देन यू आर गोइंग टू अर्न सम एक्सेस प्रॉफिट दैट वॉज नोन एज टू बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा स्टिल बाकी दो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं द बिजनेस ऑफ द फर्म मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स इट इज नॉट नेसेसरी एनी वन एक्टिंग फॉर ऑल दिस इज द प्रिंसिपल एक इंसान भी बाकी लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवेन बाय पार्टनर टू द फर्म शैल बी पेड प्रॉफिट अगेन दिस इज इन करेक्ट बिकॉज अगर आपने पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो इन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा डज इन मैटर वेदर यू आर अर्निंग लॉस बिकॉज इट्स थर्ड पार्टी बेस्ड ट्रांजेक्शन तो देअ जो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा यहां पर सेकेंड वन दैट इज एनी फॉर्म विच अर्न नॉर्मल प्रॉफिट हैज नो गुडविल कुछ भी गुडविल नहीं है इसलिए वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं लेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन

राय दी थी आपको एक सजेशन दिया था कि जहां भी आप टेबल लगा के पढ़ रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर दो स्टूडेंट्स हुआ गोइंग टू टेक अटेम्प्ट इन द दिसंबर 2020 एग्जाम दैट प्लीज एक पेपर बना लीजिए उस पर सारे फॉर्मुलेज लिख लीजिए स्पेसिफिकली फॉर योर स्टार्ट्स एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन दोनों सब्जेक्ट्स के जस्ट कीप रिवाइजिंग दैम बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि दो तीन क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मुले से आ जाते हैं एंड देर फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है दैट इज द सेकेंड दिस इज द फॉर्मूला यूजिंग विच यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड स्टैंडर्डर ऑफ मीन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ आई एम पी एस दमीडिएट पेमेंट सर्विसेज तो अगर आप इस सर्विस का यूज करते हैं तो इसको किस ऑब्जेक्टिव से लाया गया था वॉट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू इनेबल बैंक कस्टमर्स टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज अ चैनल बिल्कुल ठीक है ट्वेंटी फोर सेवन आप मोबाइल से यूज कर सकते हैं इसलिए आई एम पी एस सिस्टम लाया गया था मेकिंग पेमेंट सिंपलर जस्ट विद द मोबाइल नंबर ऑफ बेनिफिशरी ऑबियसली बात है कि जब आप लैपटॉप से पेमेंट करते हैं या फिर सिस्टम से पेमेंट करते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बट काफी आसानी से मोबाइल से पेमेंट किया जा सकेगा सो दैट इज अगेन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर अ फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटलाइजेशन द एम इज मोबाइल से ही सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके मेजर ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट कॉम्पिटन बिटवीन एन एफ टी एन आर टीजी ऑब्जेक्टिव नहीं था ऑब्जेक्टिव वॉज टू सिंप्लीफाई द पेमेंट एंड देर फॉर ए बी एन सी आर द करेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड देर फॉर जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वन आई होप दैट यू आर फॉलोइंग विद मी लेट्स मूव टू द्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम इनकम टैक्स बेस्ड ऑन डिडक्शन बहुत डिटेल में थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डिडक्शन पूछ लिए बट स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है डिडक्शन के बारे में तो आप इसका जवाब डेफिनेटली दे पाएंगे एट्टी जी जी एट्टी जी जी जो डिडक्शन है दैट इज रिलेटेड टू योर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड अगर आपने रेंट पे किया है उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाती है नेक्स्ट इज एटी जी जी ए दैट इज नेक्स्ट डिडक्शन ये आपको तब मिलती है व्हेन यू आर यूजिंग इट फॉर सम काइंड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है किसी साइंटिफिक रिसर्च में किसी इंस्टीट्यूशन में विच इज इन्वॉल्व इनटू साइंटिफिक रिसर्च तो उस सिचुएशन में आपको डिडक्शन मिल जाएगी देन एट्टी जी जी बी होता है अगर आपने डिडक्शन दिया है किसी पॉलिटिकल पार्टी को एंड यू आर अ कंपनी अगर आप कंपनी है एंड अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एंड एट्टी जी जी सी इज वेन एन इंडिविजुअल दैट इज ए पर्सन जो है इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अगर पॉलिटिकल पार्टीज में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है ही कैन क्लेम अ डिडक्शन सो अकॉर्डिंगली यू कैन मैच इट थोड़ा सा टेक्निकल था थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था बट अगर एक दो भी आपको आंसर पता थे यू कुड हैव डन इट so accordingly one is going to be the correct answer let's move to the next question the portfolio theory articulates diversification to reduce which of the following risk hmm. बहुत डिटेल में टॉपिक किया हुआ है अगर आप सीधे लाइव सेशन पे जाके सर्च करेंगे सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रेस्ट आपको डायरेक्ट एक वीडियो मिल जाएगी वहां पे हमने डिस्कस किया था what इज द मेजर डिफरेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन हम तभी कर सकते हैं वेन इट इज अचुएशन ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क सारी इंडस्ट्रीज को सिमिलरली इंपैक्ट करता है उसको डायवर्सिफाई नहीं किया जा सकता ऑल्सो नोन एज नॉन डाइवर्सिफेबल रिस्क डाइवर्सिफिकेशन किया जा रहा है दैट मीन्स लॉजिकली कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते हैं द आंसर इज थर्ड अनसिस्टमैटिक रिस्क तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एथ क्वेश्चन सेवेंटी क्वेश्चन से फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिडक्शन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस प्रोविडेंट फंड इन केस ऑफ सैलरी डॉप्लॉय कौन से टॉपिक से पूछा गया है इनकम टैक्स के अंदर कौन सा हेड यूज किया गया दैट इज सैलरी नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप वर्किंग है तब तो आपको बिल्कुल पता होगा टू द ऑप्शन नाउ इम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जेप्टेडेडेड अपू ट्वेल्ल परसेंट ऑफ सैलरी दिस एब्सलूटली करेक्ट बारह परसेंट जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इंप्लायज वहां तक एक्जेंशन है कोई भी आपको टैक्स नहीं देना उस पर इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एक्जेम फ्रॉम टैक्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो भी एक्जेम्ट है टैक्स से इंप्लॉयर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट इंप्लॉयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते बट अगर इंप्लाइज चाहे तो कर सकते हैं फॉर द सी स्टेटमेंट और दर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट डिडक्शन अंडर एट्टी सी इज अवेलेबल फॉर इंप्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन इन अनरिकोविडेंट फंड दिस इज इन करेक्ट जो आपको डिडक्शन प्रोवाइड की जाती है वो आपको इंप्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन पे प्रोवाइड की जाती है एंड ना कि इंप्लॉयर्स की पे सो देटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा फॉर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज फर्स्ट ए बी एन सी सो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है एक तरफ कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है एंड दूसरी टाइप डिस्क्रिप्शन गिवन है हो अगर आपने हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखा हुआ है जो मैंने लाइव सेशन कंडक्ट किया था करते टाइम तो उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है मैंने आपको पहले भी कहा था मैच द फॉलोइंग में हमेशा जो आपको लगता है कि बेस्ट आंसर आपको पता है उस पर फोकस करने की कोशिश करिए देखिए कि उससे आंसर निकल जाता है या फिर नहीं तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं ऑप्टीमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है जहां पर जो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है एंड जो आपकी कॉस्ट होती है वो मिनिमाइज हो जाती है वहां पे हमें फोकस करना होता है तो देखिए क्या है फोर्थ ऑप्शन इट इज अ डेट इक्विटी रेशियो डेट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म तो क्लियरली मैं इंडिकेट कर सकता हूं कि जो बी का ऑप्शन है वो मैच हो जाएगा फोर्थ से बाकियों में ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अगर मैं इस पर हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट हूं तो अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं तो आप देख सकते हैं कि आप तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं इसी चीज के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था अपने लाइव सेशन के अंदर जहां पे मैंने चैलेंज आंसर की के बारे में बात की थी कि इवन क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे एंड बाद में जो ऑप्शन हैं जो कई बार स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि सर काफी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन थे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन भी कॉम्प्लेक्स नहीं थे अगर आपको एक पता है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं आप उसका आंसर सही बता सकते थे तो so सेकेंड या फिर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टुलर क्वेश्चन लेट्स मूव अहेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज अ कंपनी रिड्यूसेस प्राइस टू रिवॉर्ड द कस्टमर रिस्पॉन्सेज सच एज वॉल्यूम परचेजेस पेइंग अर्ली और प्रोमोटिंग द प्रोडक्ट मतलब अगर आप कस्टमर uh, को डिस्काउंट देना चाहते हैं या फिर किस तरीके से रिवॉर्ड करेंगे अगर वो ज्यादा वॉल्यूम में परचेज कर रहा है बल्प परचेज कर रहा है प्रॉम पेमेंट कर रहा है तो आप किस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे किस टाइप का इंसेंटिव उसको देंगे उंट एंड अलाउंस प्राइसिंग इज इट गोइंग टू बी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज इट गोइंग टू भीट गोइंग टू भी डायने संदेह नहीं है कोई भी डाउट नहीं है वॉल्यूम परचेस के बारे में बात हो रही है और प्रॉम्प्ट पेमेंट के बारे में बात हो रही है तो अलाउंसेस एंड ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट दिए जाते हैं so यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज वन और ए वेरी इजी क्वेश्चन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से ये क्वेश्चन था जो मुझे लगता है थोड़ा सा टेक्निकल फ्रंट पे था जो हमने भी डिस्कस नहीं किया था आई बी वेरी ऑनेस्ट बट स्टिल इट इट इज कनेक्टेड टू अ टॉपिक दैट यू हैव रेड दैट इज ट्रांजेक्शनल एनालिसिस गिवेन बाय एरिक बर्न सो हमने ट्रांजेक्शनल एनालिसिस के बारे में बात किया था दिस कंसेप्ट इज दिस टॉपिक इज डिराइव फ्रॉम दैट टॉपिक ओनली जहां पे ओके 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 नॉट ओके मैट्रिक्स इसे कहते हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन एनालिसिस एक बार समझने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट्स अ न्यू टॉपिक एंड आई डोंट वॉन्ट की आपको बाद में स्पेसिफिकली अलग से पढ़ के टाइम वेस्ट करना पड़े तो एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ लेट सी वेदर वी आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट पहला स्टेटमेंट देखते हैं आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके दोनों ही लोग ठीक नहीं है दोनों ही लोग Uh, सही फील नहीं कर रहे हैं देआर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विथ ईच अदर तो इस सिचुएशन में क्या होगा अगर आप दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती दो यू विदड्रॉ सेकेंड साइड पर आपके ऑप्शन गेवे ने डिपेंडेंट कंफ्रंटिंग विड्रॉन एंड टास्क ऑप्शस तो आपको इसको कैसे समझना है कि देर आर टू पीपल जिसके बारे में ये दोनों स्टेटमेंट्स कहे गए हैं डिवाइडेड बाय अ कॉमा सो अगर पहला स्टेटमेंट कह रहा है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके मतलब दोनों लोगों की अगर एक दूसरे से नहीं बनती है दे आर नॉट वेरी वेल वर्ड विद ईच अदर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप बात करना बंद कर देते हैं यू विदड्रॉ फ्रॉम ईच अदर तो इस कॉमन सेंस के लॉजिक से मैं आपको समझा रहा हूं तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट वो आप थर्ड से मैच कर सकते हैं सेकेंड ऑप्शन देखते हैं आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके इसका मतलब क्या है कि एक इंसान फील करता है कि वो बिल्कुल ठीक है ही इज सुपीरियर बट द अदर पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल ही इज नॉट ओके सो उस टाइम पे आप क्या कोशिश करेंगे अपनी सुपीरियरिटी का यूज करेंगे एंड आप टास्क अपना कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे यू आर ओनली कंसर्न अबाउट योर सेल्फ एंड आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो जो बी का ऑप्शन होगा वो फोर्थ में मैच हो जाएगा सिमिलरली आई एम ओके यू आर ओके दोनों लोग बिल्कुल ओके हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर किसी भी लेंथ पे जाके डिस्कशन कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो so, जो सी ऑप्शन है वो मैच किया जा सकता है कन्फ्रंटिंग से जब आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं तो आप उससे आगे जाके भी डिस्कशन कर लेते हैं काफी आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू ट्राई टू विदड्रॉ सो so, सी का जो आंसर होगा वो कन्फ्रंटिंग हो जाएगा डी आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके मतलब आप इंफीरियर फील कर रहे हैं यू फील दैट यू आर नॉट ओके यू आर नॉट गुड इन सम थिंग्स तो सिचुएशन में आप दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं यू वॉन्ट टू टेक हेल्प फ्रॉम द अदर पर्सन एंड देर फॉर द आंसर इज डिपेंडेंट तो इस लॉजिक से बहुत सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए समझने के लिए ऑल्सो नोन एज ओके नॉन नॉट ओके मैट्रिक्स विच इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कंसेप्ट गिवेन बाय एरिक बर्न सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी वन और ए आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मैच इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मेच्योरिटीज इट इज डिस्क्राइब्ड एज डैश मतलब जब फॉरन करेंसी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आप डील करते हैं एंड वे एग्जैक्टली मैच हो जाती हैं उसको क्या कहते हैं वॉट इज दिस फिनल डिस्क्राइब्ड एज फाइनेंशियल होता एट्टी को, को, रुपीज की पेमेंट करनी थी सो डिफरेंस ऑफ ट्वेंटी रुपीज सो इंस्टेड ऑफ गिविंग हंड्रेड रुपीज एंड टेकिंग बैक एट्टी रुपीज ए सीधे सीधे बी को ट्वेंटी रुपीज की पेमेंट कर देगा दिस इज नोन एज नेटिंग ऑफ पेमेंट फॉरन ट्रांजेक्शन के अंदर परफेक्ट हेज क्या होता है जब आप एक्सैक्टली exactly ऐसी पोजीशन ले लेते हैं मार्केट में दैट एट वन सिचुएशन यू आर मेकिंग अ लॉस ऑफ हंड्रेड मतलब आपने इस तरीके से फाइनेंशियल uh, डेरिवेटिव या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस तरीके की पोजीशन ले चुकी ली हुई है कि अगर एक जगह आपको सौ रुपए का लॉस होगा तो दूसरी जगह आप एग्जैक्टली सौ रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं इन ऑर्डर टू नलीफाई इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द रिस्क जीरो लेवल ऑफ रिस्क अवेलेबल है एंड दिस इज ओइंग टू योर चॉइसेस दैट यू हैव मेड वाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज तो इसे हम परफेक्ट हेज कहते हैं नेचुरल हेज क्या होता है आपने इसको इंटेंशनली नहीं किया है बट ऑटोमेटिकली ड्यू टू सम समम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका अमाउंट ऑफ एक्सपोजर एंड टाइमिंग ऑफ मेच्योरिटीज मैच कर जाती है सो दैट इज वॉट इट इज नोन एज नेचुरल हेज एंड देर फॉर सेकेंड ऑफ बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर आई होप चारों थोड़े से टेक्निकल टर्म्स थे बट आपको अब समझ आ गए होंगे Let's move to the 75th question. Arrange the following steps in logical sequence of operation of arbitrage pricing theory. A topic coming from finance. Arbitrage finance theory or pricing theory? What is it? A multi फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी होती है जो ये कहती है कि आप किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जीडीपी हो गया ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए इनके बेसिस पे आप सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं दैट इज वॉट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इज ऑल अबाउट तो सबसे पहले यहां पे सिक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले आप उन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होगा कि आप ये ढूंढें कि उनके बेसिस पे एक एक फैक्टर का क्या रिस्क प्रीमियम है किस फैक्टर uh, पे आपको ज्यादा प्रीमियम देना है उस पर ज्यादा प्रीमियम लगा उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसेस को बढ़ाते चलेंगे एंड थर्ड इज आइडेंटिफाई किए हैं उनकी सेंसिटिविटी कितनी है फॉर एग्जांपल जीडीपी और समथिंग दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन दी आर वेरी वॉलेटाइल बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं मंथ्स में क्या इवन डेज में इनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है एज इफ यू टॉक अबाउट पॉपुलेशन और सम अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर वो कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टेंट रहता है आफ्टर अ सर्टन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम ही उसमें चेंजेस आते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट सीक्वेंस दैट इज सी बी एंड एंड आंसर वुड बी थर्ड और सी आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन तीन चार बार डिस्कस किया हुआ है अगेन रिपीट हो रहा है कुछ नहीं करना होता आपको जो इनकी वैल्यूज गिवेन है जस्ट एट दीज वैल्यू अगर ये वैल्यू वन से ज्यादा है देन यू वुड गेट द आंसर एज इंक्रीजिंग रिटर्न अगर वो कॉन्स्टेंट आ रही है इक्वल टू वन आ रही so है इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया था पॉइंट सिक्स बाई पॉइंट एट वन पॉइंट फोर आ जाएगा the रिटर्न बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आप खुद ही देख सकते हैं लेट्स क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड अपडेटेड इन 2008 स्टीलिंग एनी डिजिटल मुझे भी नहीं पता है कुछ ऐसे बहुत फैक्चुअल होते हैं जो आपको रैंडमली गेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि स्टीलिंग एनी डिजिटल इन्फॉर्मेशन को साइबर क्राइम कंसिडर किया जाता है सो वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन EPRG framework in फ्रेमवर्क इन इंटरनेशनल बिजनेस रिफर्स टू टैस एक ओरियंटेशन होता है EPRG फ्रेमवर्क जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था अलग अलग सिचुएशन में आप इन फ्रेमवर्क को यूज कर सकते हैं इज इट इथोपोलियो रीजियो जियो ट्रांसफॉर्मेशन इज इट बी इथनोसेंट्रिक पॉलिसेंट्रिक रिजियो सेंट्रिक एंड जियो सेंट्रिक आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा इज इट एथिक्स पॉलिसीज रेगुलेशन गाइडलाइन ओरियंटेशन और इज इट एवरी पर्सन रिफर्स ग्लोबल सो so ये चार चीजें दी हुई हैं आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है इसके अंदर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड और बी दैट इज देंट्रिक पॉलीसेंट्रिक रीजियोसेंट्रिक एज वेल एज जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन जैसी रिक्वायरमेंट रहती है सिचुएशन रहती है उसके अकॉर्डिंग आप इन ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकल्टरेशन एंड अकल्टिशन एज अ पार्ट ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग तो बेसिकली दोनों टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए तभी आप उसको डिफरेंस कर पाएंगे सो लेट्स रीड ऑन टू दीज स्टेटमेंट्स इन कल्ट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडोप्टिंग द होस्ट कल्चरल नॉर्म्स मतलब जहां पे आप जा रहे हैं वहां के कल्चर को सीखना अडॉप्ट करना इनकल्टरेशन कहलाता है एंड कल्टरेशन इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर ओन नेटिव कल्चर खुद के नेटिव कल्चर को सीखने को नाउसुलर स्टेटमेंट इज इंटायेक्ट बिकॉज दिया कि जो ए आंसर है वो इनकरेक्ट है डेट यू नो तो आप क्लियरली दो ऑप्शन पहले एलिमिनेट कर सकते हैं एंड इफ यू रीड ऑन टू अदर स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं ई कल्टरेशन इज एंथोलॉजिकल टर्म यूज फॉर सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन से रिलेटेड है सोशल इंटरक्शन करके आप कल्चरल नॉर्म्स के बारे में सीखते हैं बोर्ड टर्म रिफर्स टू द लर्निंग थ्रू सोशल इंटरक्शन दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूटली करेक्ट इन कल्टरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ओन कल्चर एंड ए कल्चरेशन इज रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग होस कल्चरल नॉर्म्स तो ए एंड डी ऑप्शन में वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट है एप्शन इनकरेट है सो so, जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा एंड देर फॉर द करेक्ट आंसर इज थर्ड दैट इज बी सी एंड डी सो ये हमारा करेक्ट आंसर है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है जो डायरेक्ट डोर टू डोर जाके डायरेक्ट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स को सेल करती है देर आर नो चैनल इन बिटवीन दच एज होलसेलर्स एंड रिटेलर्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यूरेका फोर्ब एम वे इंडिया इंटरप्राइज यूजेस नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर और इज इट एच यूएल हिंदुस्तान यूनि लिमिटेड कंपेरेटिवली एच एल जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है इट यूजेज वेरियस चैनल्स एंड देर फॉर इट डज नॉट यूज डायरेक्ट सेलिंग एज अ मैकेजम रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स द करेक्ट आंसर इज फोर्थ और डी बहुत ही आसान क्वेश्चन है गेस करके भी इसका आंसर बताया जा सकता था लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मास मार्केटिंग मतलब अगर आप मास मार्केटिंग के बारे में बात करें तो इनमें से कौन सा सही फीचर रिप्रेजेंट नहीं करता प्रोवाइड वेरी लिटिल स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन मास मार्केटिंग है ज्यादा ऑडियंस तक आपको रीच करना है देर इज नो स्कोप फॉर कस्टमाइजेशन तो दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट ये तो सही स्टेटमेंट है डील्स विद कस्टमर डायरेक्टली दिस इज इनकरेक्ट एडवर्टाइजिंग करते हैं मास लेवल पे डायरेक्ट कस्टमर्स तक नहीं पहुंचते सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू उनको पता चलता है द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकर एंड इज द आंसर बट फिर भी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं नॉर्मली फॉलोड इन एफ एम सी जी एंड एस एम सी जी गुड्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन तो आपने यहां पर देखा होगा नोटिस किया होगा डेट काफी ज्यादा सिक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे पहले उनका फोकस अब रीजनिंग पे होता था इस बार सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग पे फोकस है बट द बेस्ट थिंग इज अबाउट मैच द फॉलोइंग इज कि अगर चारों ऑप्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाए गए हैं तो अगर आपको एक दो भी आंसर पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं देखिए मैं इस क्वेश्चन में आपको दोबारा उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं ग्लोबल डिपोजिट्री रिसिप्स ऑल्सो नोन एज जी डी एस हमें पता है यहां पर हम ओवरसीज मार्केट से पैसा उठाते हैं बाई इशूंग डिपोजिट्री तो यहां पर मैं क्लियरली इसको मार्क कर सकता हूं इट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड इन ओवरसीज मार्केट एंड इज लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन ओवर द काउंटर बेसिस

कि आप कितना ज्यादा टाइम बचा पा रहे हैं बाय इफ यू आर कॉन्फिडेंट विथ वन ऑफ द ऑप्शन तो हमने जो जी है उसको थर्ड से मैच कर लिया एक और आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वेंचर कैपिटल इज यूज वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं काफी ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप तो जो डी का ऑप्शन होगा वो सेकंड में मार्क हो जाएगा सो so, दो ऑप्शन आपको मिल गए दो से आप टैली करके देख लीजिए द करेक्ट आंसर वुड कम आउट टू बी थर्ड और सी सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बाइनियल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला था अगर आपने फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ पढ़े आपको सॉल्व नहीं करने सिर्फ आपको फॉर्मुला पता हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है अंडर रूट एन पी क्यू सो एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल पी इज सक्सेस एंड क्यू इज योर फेलियर सो इस फॉर्मुले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डी या फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोजिशनल एवरेज देखिए कितने आसान क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में पूछे हैं स्टूडेंट्स हमेशा परेशान रहते हैं कि सर स्टैटिस्टिक्स में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पोजिशनल एवरेज है भाई हमें पहले से पता है कि मीडियम एंड मोड टू मेजर पोजिशनल एवरेजेस तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन या फिर ए तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन

कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स तो ये आपको ऑप्शन दिए हैं अब विदाउट डाउट देखिए एक चीज तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो हम अंदाजा लगा सकते हैं अगर हमको सीक्वेंस नहीं भी पता हो बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लग रहा है कि सबसे पहले आपको क्या काम करना है आपको की फैक्टर डिटरमाइन करना है तो उसके बाद ही आप बाकी सारे डिसीजन ले पाएंगे अब अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट द थर्ड ऑप्शन विच इज टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द की फैक्टर्स तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कॉमन सेंस से आंसर किया जा सकता है that third or C is the correct answer. Let's move to the next question. The going concern concept is the underlying basis of. Kaha se gaya? Concepts and convention from the topic of accounting. Disclosing the market value of securities, consolidating the accounts of subsidiary company with those of parent company, depreciating fixed asset over their useful life सेल्स एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन इन द इनकम स्टेटमेंट अब देखिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है फर्म विल कंटिन्यू टू एक्सिस्ट इन द अपकमिंग पीरियड सो क्या मतलब टाइम फैक्टर के बारे में बात हो रही है कॉमन सेंस लगाइए कोई भी और स्टेटमेंट टाइम फैक्टर के बारे में बात नहीं कर रहा एक्सेप्ट दर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि आप फिक्स एसेड को डेप्रिशिएट करते हैं ओवर देयर यूजफुल लाइफ क्यों ओवर देर यूजफुल लाइफ करते हैं बिकॉज यूर एज्यूमिंग दट द फर्म इज गोइंग टू बी इन एक्सिस्टेंस एंड फॉर द आंसर इज थर्ड और सी वेरी बेसिक क्वेश्चन वनस अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द पे बैक पीरियड मेथड इज एडवाइज फॉर इवेलुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेट्स नॉट गो टू द ऑप्शन आपको पता है पे बैक पीरियड क्या देखने की कोशिश करता है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पैसा रिकवर कर लें इसका मतलब आपको पैसे की प्रॉब्लम है यू हैव इशूज विथ कैश और लिक्विडिटी अब आपको यह कंसेप्ट पहले ही पता है नाउ रीड ऑन टू द ऑप्शन एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट लीवरेज फॉर्म है मतलब बहुत ज्यादा फॉर्म ने डेट उठा रखा है मतलब उसको कैश की रिक्वायरमेंट होगी जरूरत है, है, है पैसों की इन्वेस्ट करने के लिए या फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए सो so, सी भी आपका आंसर है स्टेबल मार्केट कंडीशन स्टेबल मार्केट कंडीशन है तो आपको पे बैक पीरियड देखने की जरूरत नहीं है सो so, बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं ए सी ज द करेक्ट आंसर एंड सेकेंड और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा सो so, अगर मेरे लिहाज से आप देखें तो क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल है बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है यू विल एग्जाम ऑफ पेपर टू कॉमर्स लेट सी नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन अजोशन पढ़ लेते पहले फॉर्म ऑफ फॉर बाइंग एन एसेट इफ द इक्वल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड ऑपरेशन इज लेस देन बेस्ट लीज रेट दैट इट कैन गेट ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको लीज रेंटल से कम में जो लीज रेंटल की कॉस्ट है उससे कम में अगर आपको एसेट की ओनरशिप मिल जा रही है लीज सो एजर्शन जो है ऑपरेटिंग लीजेस आर अट्रैक्टिव टू इक्विपमेंट यूजर्स इफ द लीज पेमेंट इज लेस देन दूसर इक्वलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द इक्विपमेंट अब यहां पर क्या ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात कर दी उन्होंने कि आप ऑपरेटिंग लीज अब यूज करेंगे अगर जो लीज पेमेंट है उसकी वैल्यू कम है एस कंपेयर टू बाइंग द इक्विपमेंट बिकॉज आपके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं फर्मस के पास यू डू नॉट हैव मच ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स तो देअर फॉर आप ऑपरेटिंग लीज यूज कर सकते हैं सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बट पहला स्टेटमेंट परचेस के बारे में बात कर रहा था रीजन जो है वो ऑपरेटिंग लीज के बारे में बात कर रहा था तो दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली करेक्ट हैं बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्शन

इनकम फ्रॉम अदर हेड्स वहां पे चार्ज होंगी जो भी उनके उनसे इनकम से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं सो so यहां पे डिसअलाउ हो जाएंगी एंड चैरिटीज एंड डोनेशन इसका डिडक्शन आपको कहां मिलेगा एट्टी जी के अंदर मिलेगा सो ऑल दीज थ्री थिंग्स दैट इज बी सी एंड डी आर गोइंग टू बी डिसअलाउड एंड देर फॉर अकॉर्डिंग टू अस द आंसर शुड बी सेकंड एंड वी हैव ऑलरेडी चैलेंज दिस क्वेश्चन फॉर ऑल आर स्टूडेंट्स लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर की सो अकॉर्डिंगली जो आंसर की एनटीए ने दी है दैट टेल्स इट टू बी फोर्थ बट अकॉर्डिंग टू अस द आंसर की शुड बी सेकेंड और बी तो ये आंसर होना चाहिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द कोफिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ डैश आई इफ यू पर्सनली मी स्टैटिस्टिक्स से सबसे आसान और बेसिक क्वेश्चन बनाए गए हैं इस पर्टुलर अटैम्प के अंदर हमें पता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजन ओनली एंड नॉट ऑफ स्केल कोरिलेशन जो होता है वो दोनों का इंडिपेंडेंस होता है दैट इज स्केल एंड ओरिजन का बल्कि जो दिग्रेशन होता है दैट इज ओनली इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजन एंड नॉट ऑफ स्केल तो क्लियर कट आपका आंसर क्या हो जाएगा दैट वुड बी सेकेंड और बी सो वेरी इजी क्वेश्चन वंस अगेन नाउ वी हैव द पैसेज मैंने एक दिन पहले आपको पैसेज की भी प्रैक्टिस कराई थी जहां मैंने आपको एक सिंपल सा सजेशन दिया था कि सिर्फ ये समझ लीजिए दो चार वर्ड्स को पढ़ के दैट वॉट इज दिस टॉपिक ऑल अबाउट So, यहां पे हम पढ़ के समझ सकते हैं बर्नआउट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया की जब आप बहुत ज्यादा रिलेटेड टॉपिक है तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ें, इतने बड़े पैसेज को, बड़े को करें. अगर आप क्वेश्चन के बेसिस पे कर सकते हैं वेल एंड गुड अदरवाइज यू कैन जस्ट कम बैक आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड इस पैराग्राफ के अंदर डायरेक्टली आंसर खोज सकते हैं so, सबसे आसान तरीका सबसे पहले क्या होता है बर्नआउट में सबसे पहले आपको थकान होती है और अगर आपको थकान होती है तो आपको काम करना पसंद नहीं होता यू स्टार्ट डिसलाइकिंग वर्क एंड अगर आपको काम पसंद नहीं होता तो आपके टारगेट्स मीट नहीं हो पाएंगे बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू वर्क एफिशियंटली सो यह पैराग्राफ में भी गिवन था सो अकॉर्डिंगली द आंसर इज वन एंड आप बिना पैराग्राफ पढ़े भी लॉजिकली आंसर कर सकते थे लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज बाय बर्नआउट बर्नआउट की वजह से क्या क्या होगा

स्टेज ऑफ बर्न आउट इज ऑफ एन एन एक्सपीरियंस बाई इंप्लाइज इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर अब देखिए जो सिनेसिज्म है अभी हमने पढ़ा वहां पे इंटरेस्ट दिया हुआ पिछले क्वेश्चन में देखिए नो इंटरेस्ट इन कस्टमर्स आपको कस्टमर्स में इंटरेस्ट नहीं आता अब यहां पर कौन सी एक्टिविटी दी हुई है डेट इज प्रोडक्शन प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो आपका कुछ डिस्कशन uh, ही नहीं होता कोई इंटरेक्शन ही नहीं होता कस्टमर के साथ तो देयर फॉर दिस स्टेटमेंट वुड बिकम इनकरेक्ट सिनेसिज्म नॉट हैपन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्शन एक्टिविटी वाले इंप्लॉयज के साथ नहीं होता ज्यादा जो सेल्स एम्प्लॉय होते हैं जो कस्टमर से डील करते हैं या फिर रिसेप्शनिस्ट वाले लोग होते हैं उनके साथ ये स्टेज ज्यादा आती है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं द सिनेसिजम स्टेज ऑफ बर्नआउट सन विडड्रॉस फ्रॉम अदर्स एंड शोज लैक ऑफ इंटरेस्ट टूवर्ड्स दम तो अगेन सेम चीज अगर आप इंटरक्शन कर रहे हैं बहुत ज्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर है बहुत ज्यादा आपको टारगेट दिए जा रहे हैं आप सारा इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे उन लोगों से डिस्कशन करने में सो अकॉर्डिंगली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन करेक्ट एंड देर फोर्मारा सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी फोर्थ दैट इजमेंट वन इज इन करो फोर्थ या फिर डी हमारा सही आंसर है लेट्स मूव टू द नाइनटी फिफ्थ क्वेश्चन फॉलोइंग इज नॉट अस इम्बैलेंस मॉडल ऑफ वर्नआउट मतलब कौन सा इसमें से रिसोर्स इम्बैलेंस मॉडल नहीं कहला था ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है पैराग्राफ में क्लियर कट आंसर गिवन था दैट इट इज दी डायमेंशनल मॉडल सो इस क्वेश्चन के लिए मोस्टली आप सीधे पैराग्राफ पे जा सकते थे पैसे पे एंड यू कुड हैव स्केल डाउन एंड आसानी से खोज सकते थे सो दैट कुड बी एन ईजी वे आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस इज अज सो मैंने पहले भी कहा था यह जो पैसेज है ये बहुत स्कोरिंग है बिना पढ़े सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया तो so, यहां पे थोड़ी सी कुछ लाइनें है देखते हैं इट इज डिजायरेबल फॉर कंज्यूमर्स टू बी अवेयर अबाउट राइट्स एक्सरसाइज दोज राइट्स दोस्पॉन्सिबली एंड इंटेलिजेंटली और नीचे कुछ एक्ट्स के नाम दिए हैं मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आप पढ़ सकते हैं असेंशियल कमोडिटीज एक्ट स्टैंडर्ड्स एंड वेट्स एंड मेजर्स एक्ट बिना पढ़े मुझे समझ में आ गया दैट द पैराग्राफ रिलेट्स टू कंज्यूमर्स राइट्स कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में बात होगी कंज्यूमर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन

है, वो आपका सही आंसर हो जाएगाइंगेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द पैसे बेसिस पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है कंज्यूमर्स लॉ आर नॉट एक्सप्लेन वेल इन इंडिया इंडियन जुडिशियरी सिस्टम नीड्स अ ड्रास्टिक रिफॉर्मेशन फॉर फैसिलिटेटिंग कंज्यूमर्स वेलफेयर बिकॉज प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं है प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है इंडियन आर क्लेवर ये थर्ड स्टेटमेंट है एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडियन कंज्यूमर्स हैव नो रेमेडी एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड दे हैव रेमेडी बट देर इज नो प्रॉपर एग्जीक्यूशन और इंटाइटलमेंट ऑफ सच रेमेडीज सो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ जो सही आंसर हो जाएगा दैट वुड बी सेकेंड कि इंडियन जुडिशियरी को थोड़ा सा बेटर फैसिलिटेट करने की जरूरत है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल एज कंज्यूमर वेलफेयर लेट्स हैव अ लुक एट द द नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड ऑन पैसेज तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि दो पांच छह लाइन का अगर आपने पैराग्राफ पढ़ लिया पैसेज पढ़ लिया है तो ये पांच क्वेश्चन आपके बोनस क्वेश्चन है फ्री में आपको दस मार्क्स मिल जाएंगे क्या लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स एंड मैन्यक्चर्स आर सेंसिटिव अबाउट कंज्यूमर राइट ये तो आप लॉजिकली सोच सकते हैं कैन नॉट बी द आंसर क्चर आर इनसेटिव अबाउट कंज्यूमर राइट ये आंसर हो सकता है लेट्स रीड ऑन टू दर ऑप्शन प्रोड्यूसर्स एंड मैनुफेक्चर आर न्यूट्रल दिस इज अगेन नॉट करेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड मैनुफैक्चर्स आर बेसिकली गवर्न बाई एथिक्स एंड वैल्यूज अगेन देर इज नो एथिक्स एंड मोरलिटी इन द इंडियन फर्म्स एज हैज बीन रिपोर्टेड इन वेरियस रिसर्च पेपर्स तो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा विच हैजो बीन मेंशन इन दैराग्राफ लेट्स मूव टू द नाइनटी नाइन क्वेश्चन

Who among the following could be considered as the center point in the passage? In the first line, that the point is consumers, and therefore 1 or A is going to be the correct answer. सो दैट वॉज ऑल आई होप कि आपको डिटेल में सारे टॉपिक समझ में आगे होंगे आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितनी ज्यादा डिटेल में आपको टॉपिक समझा सकता हूं उनको समझाऊँ मैं सो दैट यू डू नॉट हैव टू स्पेंड टाइम अगेन एंड अगेन रीडिंग ऑन टू टॉपिक्स एंड लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली वेरी फ्रेंकली आप लाइव सेशन को जाके एक बार देखिए मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड आइडर इन द कोर्स और इन द लाइव सेशन कुछ जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा था एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यू सो दैट यू आर वेल प्रिपेयर For your next attempt. So that was all for today. Thank you and have a nice day.